तो ऑरा स्ट्रॉन्ग करें कैसे करें और सहजता से कैसे जिए, तो ये एक पार्ट। दूसरा पार्ट है कि मोदी जी का ऑरा स्ट्रॉन्ग है प्लस उनके पास नेम और फेम भी है, और कई लोगों का ऑरा पॉजिटिव होता है पर नेम एंड फेम नहीं होता। ऑरा स्ट्रॉन्ग कैसे करें, सहजता से ऑरा कैसे सेट करें। मोदी जी का ऑरा स्ट्रॉन्ग है, नेम फेम में बहुतों की होती है लेकिन उनके पास नेम फेम नहीं होता, इन्हें कैसे पता बहुतों की ऑरा स्ट्रॉन्ग होती है। इसमें इच्छा भी है, तो एक इच्छा भी तो है। इच्छा की बात भी हो गई। अब हम इसमें यही एक ही ले लेंगे कि ऑरा स्ट्रॉन्ग कैसे करें, सो सिंपल। मोदी जी भी इसमें आ जाएंगे, फिर हम दी एंड करेंगे, विश्राम देंगे क्लास को। एक बार एक राजा ने मंत्री को बोला, ये ले ढेर सारा पैसा और मुझे एक महलों में महल इतना बढ़िया महल बना के दे, बस उफ हाय टाटा, इंद्र को बुलाऊंगा मैं, आंसू आंसू निकाल दूंगा उसके, ऐसा महल उसके पास भी ना होगा। इंद्र तक न्यूज़ पहुंच गई, भैया ये तो बहुत लफड़ा हो रहा है यार, चक्रवर्ती सम्राट है, कुबेर का दोस्त है, पैसे की कमी है नहीं है तो महल बना रहा बड़ा आंसू। इंद्र ने कहा, यार साले मेरे इंद्रलोक से भी तगड़ा बन रहा है क्या? बोले हाँ हजूर, आप सोच नहीं सकते क्या आर्किटेक्ट है, क्या डिज़ाइनिंग है उसकी, क्या उसने मतलब समुद्र की तरह पैसा निकाल के पानी की तरह बहाया कि समुद्र में से ले रहा हो। बोले कहाँ कहाँ के आर्किटेक्ट नहीं आए, क्या क्या कमाल के उसके पत्थर लगे हैं, नक्काशियाँ। और इंद्र ने कहा, यार मेरा क्या होगा, मैं वैसे ही मरा डरा हुआ हूँ। बोले कोई तो कमी ढूंढो। बोले कमी है ही नहीं, कहीं कमी नहीं है भाई, बहुत मुश्किल है, कमी नहीं मिलेगी। बोले कमी तो लानी पड़ेगी भाई, ये तो ज़िंदगी में होगा नहीं, नहीं तो वो पागल हो जाएगा। उसने मेरे से टक्कर लिया यार, कमी लाओ। बोले फिर हजूर क्या करें। इंद्र ने कहा, भाई चित्रगुप्त कुछ करो, ऐसे तो होएगा नहीं, अगर उसके महल में कुछ भी कमी ना हुई तो लानी तो पड़ेगी। चित्रगुप्त ने कहा, हजूर मैं देख के आता हूँ। चित्रगुप्त गया, चूहे का रूप बना के ढूंढ के आया, साला कंचा हैरान हो गया, वो कहता, हजूर वाकई आपके महल से भी खूबसूरत है। बोले यार कुछ तो करना पड़ेगा इसमें, ये नहीं हो सकता। बोले हजूर फिर तो एक ही इलाज है। बोले भाई चित्रगुप्त कुछ करना पड़ेगा। बोले हजूर ठीक है, फिर मैं कीला थोड़ी ले जाता हूँ और कुछ तोड़ फोड़ के आता हूँ। तो जगह जगह चप्पे चप्पे पे सिपाही लगे हुए हैं, क्योंकि कल इंद्र ने आना है इंस्पेक्शन के लिए, और भाई साहब कत्ल मच जाएगा। अब इंद्र हाथ जोड़ के खड़ा है, परमात्मा कुछ कर, ये तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। राजा कह रहा, बस इंद्र की मैं ऐसी तैसी फेर दूंगा। हाँ भाई दास लगे हुए हैं सारे, सब कुछ हो रखा है, सब कुछ ओके डन है, फलान ढिमकान। हाँ जी दोनों। अब ऐसे ही जिंदगी इसी का नाम है। अब ऑरा स्ट्रांग करनी है ना, ऑरा स्ट्रांग कैसे करनी है, स्ट्रांग कैसे मेंटेन रखनी है, ये तो सीखना है। इंद्र की तो ऑरा टूट गई, हाय मैं मर गया, राजा की ऑरा पागल हो रखी है। अब उसको उसकी ऑरा तोड़नी है कि भाई इसको इतना वीक कर दूंगा, और उसने अपनी ऑरा महल से जोड़ रखी है कि महल है बस, महल ही सब कुछ है। अगले दिन पहुंचे जी, घूमते रहे भाई वो फती हो गई यार, सुबह से शाम हो गई, घूमते घूमते कोई कमी नहीं दिख रही। फिर अचानक से इंद्र गया कोने में, मे आई टेक अ लीव फॉर 2 मिनट्स नेचर्स कॉल। उसने फ़ोन मिलाया फटाफट चित्रगुप्त को, बोले क्या हो रहा है, कहाँ है तू, क्या कर रहा है? बोले हजूर मौका नहीं मिल रहा, आप ना जरा हल्ला सा मचा दो, बाथरूम में गिर गए हो, तब जा करके कहीं मुझे मौका मिलेगा, मैं कील ठोक दूंगा इसकी टाइल में। बोले ठीक है, वहीं से हल्ला मचाया, सारे सिपाही सैनिक दौड़ दाड़ के आए, बोले हुआ क्या हुआ, गिर गए महाराज। बोले उठ गया, कोई नहीं चोट लगी, थोड़ा देख लेते हैं, अब बचा खुचा महल का हिस्सा, इधर भी चलते हैं। वहाँ गए तो देखा एक टाइल टूटी हुई है। इंद्र ने कहा, है ये क्या? राजा ने कहा, है ये क्या दाग, टाइल टूटी हुई है? बोले ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसने फटाफट बम के दस्ते बुलाए, पूरा महल उड़वा दिया। बोले मैं बर्दाश्त ही नहीं कर सकता, खत्म, इंद्र का साम्राज्य फिर वहीं मिल गया। तो फालतू की कहानी का मकसद क्या है कि जरा सी बात पे उसकी ऑरा टूट गई, उसका दिल टूट गया। एक दो टूटी टाइलें आपकी ज़िंदगी ख़राब कर देती हैं। हम ऐसे मूर्ख लोग हैं, पूरे पूरे जीवन के सुखों को भूल जाते हैं, एक टाइल टूटी हुई है पागल हो जाते हैं, एक टूटी टाइल के कारण से महल तबाह कर देते हैं, एक कमी है मेरे बच्चे में, एक कमी है पत्नी में, एक कमी है पति में, एक कमी, एक रोटी थोड़ी सी जली हुई है, पागल हो जाते हैं, एक साला जॉब है मेरा, मेरा एक बॉस बड़ा कमीना है, इसी पे जॉब छोड़ देते हैं। ये टूटी टाइल को देखकर अपनी ऑरा को नष्ट करने वाले उस भिखारी से कम नहीं जो तांबे के सिक्के नहीं छोड़ता, चाहे कुछ भी मिल जाए। अपनी ज़िंदगी में ऑरा तोड़ने से बचानी है, यानी कुंडलिनी शक्ति को नीचे नहीं जाने देना है, या चली भी गई तो कोई बात नहीं, करना सीखना है, तभी आपके जीवन के अंदर ऑरा की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। यहाँ से ऑरा बढ़ती है, पानी ऊपर की ओर जाता है, यहाँ से ऑरा नीचे की ओर जाती है। असल में कौन है, असल में वो है जो इसको ऊपर ले जा करके वाष्पित करता है,
और वही है जो आपको देखने की शक्ति दे रहा है, जो सांस ले रहा है, और वो क्या करता है, हमें क्या लेना देना, वो अपने आप करता है जो करता है। मुन्ना प्रीलिव कराता है, मुन्ना ही भविष्य की चिंता देता है, मुन्ना ही आपको पास्ट के स्यापे देता है, वही मेमोरीज देता है, वही उम्मीदें एक्सपेक्टेशन इच्छाएं देता है, और वही उसी के कारण दुख है। तो मुन्ना को अलग कमरे में खेलने दो और आपको असली अपने आप से मिलना है। आई एम, मैं हूं, कोई है मेरे अंदर जो मुन्ना को भी ट्रेंड कर देगा। और मुन्ना को ट्रेंड करने के लिए उसे क्या करना है, कुछ नहीं। कितनी अजीब बात है, क्योंकि करना किसके पास है, मुन्ना के पास। तो ध्यान में बैठना, मेडिटेशन करने का क्या मतलब है, कुछ नहीं करना। कुछ क्षण के लिए ऐसे हालात बना लो शरीर और माइंड के साथ कि हम कुछ नहीं कर रहे, इसी को ध्यान में बैठना और मेडिटेशन कहते हैं। नहीं तो हम हर समय कोस रहे हैं, सोच रहे हैं, लड़ रहे हैं, बहस कर रहे हैं, किसी के साथ अच्छा बुरा सोच रहे हैं, महल बना रहे हैं, सपने कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं। मुन्ना 24 घंटे नीचे कुंडलिनी को खींच के बैठा हुआ है। मुन्ना को स्लो डाउन कर दो। मुन्ना की स्पीड स्लो होती है जब हम श्वास धीमे करते हैं। सांस धीरे करो। रात को सपना आ रहा है, सोचो मुन्ना को आ रहा है, मुझे नहीं आ रहा। किसी से जलन क्लेश क्रोध अहंकार हो रहा है, सोचो मुन्ना को हो रहा है, हमें क्या लेना देना, ये बेवकूफ़ी करनी पड़ेगी, ये ड्रामा करो। चोट लगे, सोचो शरीर को लगी है, मुझे नहीं लगी। यार मैं कौन हूँ, मैं वो हूँ जो ना मन है और ना शरीर है, और कुछ है चाहे नहीं है, लेकिन मैं तो हूँ। पर वो शरीर नहीं है, वो मन नहीं है, करने वाला भी नहीं है, वो होने वाला है। अब उससे हमें जोड़ने में मुन्ना को बड़ी समस्या होती है, क्योंकि मुन्ना उसे समझ नहीं सकता। वो नाभि से ऊपर रहता है, स्वयं का केंद्र, और मुन्ना नाभि के नीचे। इसलिए जो समझ में नहीं आता ना मुन्ना को, उस पर विश्वास करने का मन नहीं करता, इसलिए उसके ऊपर संदेह ना करते हैं। मान डालो, जान डालो, परमात्मा है। जिसने जान लिया, साक्षी भाव ऑन कर लिया, उसकी तो नाभि का केंद्र ही कमाल हो गया। उसकी तो 4% ऊर्जा पूरी धोकनी, पूरा जीवन चला देगी, लाजवाब। बड़े से बड़े बीमारी, शरीर की, मन की, रिश्तों की, सब धुल जाएगी। किसी भी खराबी से आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपकी टाइल टूटी होगी कोई ना कोई, कभी और नहीं टूटेगी, कभी नजर नहीं लगेगी, कभी दिक्कत नहीं आएगी। जो हो गया उसका था, छोड़ दोगे तो गांव दे देगा परमात्मा। छोड़ना नहीं आता हमें, छोड़ने को राजी नहीं, यही हमारी मूर्खता है। इसलिए असली कौन, असली वो जो कुछ नहीं करता, करना करता, करने वाला कौन है, मुन्ना। होने वाला है वो, होने वाले पे छोड़ दो, सब हो जाएगा। इसलिए छोड़ के देखो, जीवन में स्वस्थ रहो, मस्त रहो, आनंद करो। ज्ञान होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि मुन्ना सारे समय उस कुंडलिनी को नीचे खींच के बैठा है। जानवर की कमर ऐसे होती है, इंसान की कमर ऐसे। हम ऊपर और नीचे जा सकते हैं, जानवर ना ऊपर जाता ना नीचे, वहीं पड़ा रहता है। जानवर की यही है, कोई नहीं बिना पिक हो जाएगा, जानवर ऐसे ही रहता है। तो जानवर की तरह जियोगे तो हगा हगा मुता, खाया पिया, बच्चे पैदा और मर गए, और ऋषि मुनि की तरह जिया तो ऊपर उठे। अन्यथा जिंदगी में नर्क और स्वर्ग मनुष्य बनाता है। जानवर से भी गंदी मौत मरते हैं कई बार हम, क्योंकि हमारे पास नर्क भी है। इसीलिए जानवर ना कपड़े बनाता, ना उसको कोई सूट बूट चाहिए, ना उसको मकान चाहिए, वो उसी तल पे रहता है ऊर्जा के, सेम तल पे, और वैसे ही मर जाता है। इसलिए जानवरों जैसी जिंदगी नहीं जीनी है, ऊपर उठना है, सीखना है। सिखाने की कोशिश बंद, सब बंद, छोड़ दो, परमात्मा पर छोड़ दो।